हाय दोस्तों, मैं हूँ राखी सावंत। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज हो चुकी है और प्लीज आप जाके थिएटर में इस फिल्म को देखिए। देखिए, दिवाली का समय है, न्यू ईयर का समय है और अपने बच्चों को, बीवी को खुश रखिए और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फिल्म दिखाइए। अमिताभ बच्चन जी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है और सबसे खूबसूरत लग रही है कटरीना कैफ। आमिर खान तो ऑसम लग रहे हैं। पहली बार मैंने देखा है कि इतने बड़े सुपरस्टारों ने विदाउट मेकअप काम किया है। वाव, अमेजिंग, क्या लग रहे हैं वो लोग। विदाउट मेकअप फर्स्ट टाइम काम किया है। हम तो बाबा, मैं तो विदाउट मेकअप तो चुड़ैल जैसे लगती हूँ, अजीब से लगती हूँ, और बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। मतलब बिल्कुल विदाउट मेकअप काम किया है सभी ने। और कटरीना तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। देखो मर्दो, अगर अपनी बीवी को ये पिक्चर नहीं दिखाई ना, फिर तुम्हारी बीवियां आत्महत्या कर लेगी। करवा चौथ पे कितनी बीवियों ने आत्महत्या कर ली है पता है क्या? उनके पतियों ने उनको शॉपिंग नहीं करवाया। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में बहुत अच्छा काम किया गया है, सबने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कटरीना कैफ और भी बहुत सारे कलाकार हैं। पहली बार ये फिल्म को सारे ऑस्कर अवार्ड मिलने चाहिए, सारे अवार्ड मिलने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम सब ने विदाउट मेकअप काम किया है। सब बहुत ही ज्यादा से ज्यादा असली लग रहे हैं, जैसे लाइफ में है असली लग रहे हैं। और दोस्तों देखो, आपको आपके माँ बाप की कसम, आपको आपके बैंक लॉकर के पैसों के अकाउंट की कसम, अपनी बीवी बच्चों को दिखाइए वरना आपकी बीवियां आत्महत्या करेगी। क्योंकि मैंने आपको अभी भी कहा कि करवा चौथ पर उनको शॉपिंग नहीं कराई तो उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो दोस्तों सुनो, फटाफट अपनी गर्लफ्रेंडों को, सबको ये फिल्म दिखाओ, क्योंकि बहुत कब्र में ले जाओगी क्या? पैसे कब्र में ले जाओगी क्या? पिक्चर दिखाओ सबको, कब्र में ले जाओगे पैसे? हैं, कब्र में ले जाओगे? खर्चा करो, खर्चा करो, खर्चा करो।